दोस्तों, कभी ना कभी आपने अपने स्मार्टफोन में किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर नाम के ऐप को जरूर इंस्टॉल किया होगा। अगर आप इस ऐप को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, बिकॉज हाल ही में प्ले स्टोर पे से इस एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है। प्ले स्टोर पे इस ऐप के करीबन 100 मिलियन से भी ज्यादा बार इस ऐप को डाउनलोड किया गया था और इसकी रेटिंग थी 4.6 स्टार। आखिरकार क्यों इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे से रिमूव कर दिया गया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त समाज और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरी यानी कि हमारे आलम की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इतने पॉपुलर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर ने क्यों रिमूव कर दिया है, चलिए जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी कास्पर्स के लैब के अनुसार गूगल प्ले स्टोर पे बहुत ही पॉपुलर स्कैनिंग ऐप यानी कि कैम स्कैनर में कुछ परेशानियां मिली हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन में कुछ बड़े बदलाव किए गए जो कि यूजर के लिए बहुत ही खतरनाक है। कास्पर्स की लैब के अनुसार कैम स्कैनर में ट्रोजन पाया गया। अब ट्रोजन ऐसा वायरस होता है या तो फिर मालवेयर होता है जो कि विक्टिम के स्मार्टफोन में इसे इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसके स्मार्टफोन में अलग अलग तरह के एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते बिना यूजर की परमिशन। इस ट्रोजन की मदद से हैकर आपके स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ रिसर्चर ने दावा किया है कि इस ऐप में एक मॉड्यूल मिला है जिसका नाम है ट्रोजन ड्रॉपर androidOS.n। तो ये आप देख सकते हैं नीचे के साइड पे इसका नाम है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन है तो प्लीज आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिकॉज ये आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। गूगल प्ले स्टोर पे से ये एप्लीकेशन को अभी रिमूव कर दिया गया है। इसके पीछे कारण ये है कि प्ले स्टोर पे से दूसरे लोगों को ये एप्लीकेशन इन्फेक्ट ना कर पाए, इसीलिए प्ले स्टोर ने इस एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया है अपने प्ले स्टोर पे से। इस एप्लीकेशन यानी कैम स्कैनर एप्लीकेशन का जो पेड वर्जन होता है उसका जो लाइसेंस है वो अभी भी प्ले स्टोर पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है क्या आपको आखिरकार क्या करना चाहिए। अगर आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन मौजूद है तो प्लीज इस एप्लीकेशन को तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई अच्छा सा एंटीवायरस है तो अपने स्मार्टफोन को स्कैन कर लीजिए। इसके दो अल्टरनेटिव है, एक तो हमारा एडोब स्कैन जिसकी मदद से आप आसानी से स्कैन कर सकते हैं, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लैन। तो ये दोनों एप्लीकेशन का भी काम सिमिलर ही है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप अपने स्मार्टफोन पे स्कैन कर सकते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बड़ी कंपनी है और ज्यादा ट्रस्टफुल भी है, तो ये एप्लीकेशन आपकी सिक्योरिटी के लिए सही है। हैकर बहुत ही स्मार्ट होते हैं। हैकर्स इन मालवेयर्स का इस्तेमाल करके आपके स्मार्टफोन में से डेटा को चोरी कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके बाद हैकर्स आपके स्मार्टफोन को बाद में यूज करते हैं। इससे आपको अंदाजा भी ना लग पाए कि आपका जो डेटा चोरी हुआ है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी आपके स्मार्टफोन में कैम स्कैनर नाम का ये ऐप है तो इसे इंस्टॉल कर दीजिए, बिकॉज ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी भी आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि वो लोग भी इस एप्लीकेशन से बच पाए। और अभी भी आपने मेरी यानी कि हमाद आलम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरी यानी कि हमाद आलम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, और बेल आइकॉन जरूर दबाना है। इस वीडियो में इतना है, मिलता है एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।